अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। जी हाँ, हम आए हैं गीगा मॉल। ये है पिंडी का, सांवाद का बहुत बड़ा मॉल। और ये बहुत बड़ा है, इधर से बेसमेंट की पार्किंग है, लेकिन हमने गाड़ी बाहर पार्क की थी तो हम पैदल आ रहे हैं। एक तो मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं। ऑटम इज़ ऑल टाइम माय फेवरेट। दूसरा ये कि माहौल बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ का। ये इनका एग्जिट गेट है और हम इनका एंट्री गेट है। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं, सही बात। साथ ही यहाँ मारिया भी है, बास्किन रॉबिन्स है। ये ट्रेन है बच्चों की, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अल्ट्रा क्लब क्लब पे 25% सेल लगी हुई है। कितने मज़े का ये, मुझे कराची का डॉलमेन याद आ रहा है। बॉडी शॉप के सारे आइटम्स यहाँ मिल रहे हैं, सारे के सारे, पूरी बॉडी शॉप का सारे ब्रांड्स हैं यहाँ। बस बॉडी शॉप ब्रांड है, सारे आइटम्स हैं। वाइब शाओ में जिस तरह अलग अलग हैं, मंत्रा मंत्रा भी मैंने बहुत सुना है, द शाइन। और ये क्या है, ज्वेलरी शॉप्स। हाँ, ये तो अच्छा है। और अब ये ज्वेलरी शॉप, ये मुझे बिल्कुल कराची कराची के डॉलमेन जैसे होते हैं, उस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन वो थोड़े खुले खुले हैं, ये थोड़े कंजेस्टेड कंजेस्टेड हैं। आप क्या है ना, ये एट्रियम। हाँ, क्योंकि मैंने आपको पिछले पहले कराची के सारे मॉल्स दिखाए हुए, मैं पिंडी सांबाद फर्स्ट टाइम आई हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं आई मॉल में, फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो ये सिमिलर टू एट्रियम है, जैसे एट्रियम मॉल है। हमारी मिनसो जब बैठने वाली होगी तो हम उधर बिठाएंगे। लेट्स एक्सप्लोर मिनीसो, मिनीसो इस्लामाबाद, मिनीसो पेशावर दिखाया है, नाउ दिस इज मिनीसो इस्लामाबाद। बंद कर दो, चलें। चारकोल, चारकोल पे मिल, ये बेकरी आइटम्स हैं, गोशेस, पता नहीं क्या नाम है, इतने मुश्किल नाम हमें नहीं आते। इक्वेटर, चार्ल्स एंड की, ओ वाओ, ये सारी चीज़ें जिम के, जिम एसेसरी, मोनार्क। नज़र आ रहा है आप सबको, मैं खुद देख रही हूँ, मैं खुद इतनी सुपर एक्साइटेड हूँ। मेरी फैमिली कहाँ है, मैं अपनी फैमिली ढूंढती हूँ। मेंसा, मेंसा आ रही है आप। KEF डायमंड्स, गर्ल्स अपने हस्बैंड को यहाँ लाई। ट्रेन, हमारी मेंसा बड़ी हो जाएगी तो उसमें बिठाएंगे। अभी है मिनसा छोटी बेबी। क्या है ये क्या है, मुझे कोई बताए, ये कोई किस चीज़ का नक्शा है, बिल्डिंग। अच्छा, ये इसका, अच्छा चल। और मेरी पुप्पो मुझे बता रही चीज़ें। हम एक्चुअली अपनी पुप्पो के घर आए, कज़न के घर आए, मड़ी पिंडी सांभाग, और मेरी फैमिली फिर घूम गई, मेरी फैमिली पीछे है। मेरी भाभी और अम्मी अपने फेवरेट शॉप पे चली गई हैं, अलमीरा। यार, हमारे पेशावर में वैसे एक ही जगह सब कुछ होना चाहिए, हमारे पेशावर में एक ही जगह है, लेकिन शॉप्स में, मॉल्स वगैरह में नहीं है। मेरे कल, यार यहाँ कितनी सारी बच्चों की जो चीज़ें जिसमें बच्चे इंटरटेन हो सकते हैं। अलमीरा पे सेल लगी हुई है 50%, लेकिन एक भी सूट अच्छा नहीं है, एक भी अच्छा नहीं है, सेल में सब फजूल होते हैं। रैग्स, लंदन गर्ल्स फैशन, 50% ऑफ है, लेकिन बड़े बच्चों के, छोटे बच्चों के नहीं लग रहे। यार बहुत ज़बरदस्त जगह लग रही है, अच्छा लगा आके। मेरी बेटी के लिए इतने प्यारे प्यारे कपड़े, लेकिन मिंचू अभी बहुत छोटी है। धुआं किस चीज़ का, आई डोंट नो। बच्चों की ट्रेन, मुझे सबसे अच्छी ये कलरफुल चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा। मिनीसो यहाँ का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पेशावर के मिनीसो में स्टफ़ टॉयस की बहुत ज़्यादा वेराइटी है, घूसे बहुत प्यारे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने लाहौर से घूसे लिए थे, वो वाले फोमिक वाले, वो घूसे मैंने आज तक कहीं नहीं देखे। सैमसंग गैलेक्सी,
यहाँ से हमें जाने के लिए वो पूछ बास्किन रॉबिन्स। चलो नीचे। हाँ ये लोग डर रहे थे। हम इस पे गिरे भी थे बचपन में, स्टेयर्स वाला। हाँ ज़्यादा वो है ऐसी नो। मेरी माँ, प्यारी माँ कराची की है, मेरी भाभी का भी ननिहाल कराची में, तो इसलिए इन लोगों की यहाँ आके भी डिमांड थी हम कैरियर फॉर जाएं। सो हम आ गए हैं नीचे बेसमेंट में। ये है ड्राई फ्रूट्स। मैं ड्रग्स कहने लगी थी ड्राई फ्रूट्स का, जस्ट फ्रेगनेंस गैजेट्स। किस चीज के मोबाइल गैजेट्स? ओ कूसास, ओ माय गॉड आई लव कूसे। लेट्स चेक इट आउट कूसा, लेट्स चेक इट आउट बेबी। बड़ी प्यारी लड़कियां हैं इस्लामाबाद की। अब तो पेशावर की भी ऐसी मॉडर्न हो गई हैं। हाँ मैं एक वाओ ताना बाना फुलकारी ताना। ओ यार यहाँ जाना है जबरदस्त यार। ताना बाना हैंडक्राफ्ट जी भी वोक जाते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ स्टफ टॉयज हैं बड़े प्यारे प्यारे। मेरा माइलो भी जी में वॉक का है। ये हमारे पास भी अरीबा, हमारे बचपन के मतलब अरसलान के। उई आई वॉन्ट टू बाई दिस जूस फ्रूटी। सईद गनी के प्रोडक्ट्स। सईद गनी कराची में था और अब हर जगह है। जौहरी, जौहरी यानी ज्वेलर्स। फ्रेंड्स होम, फ्रेंड्स होम क्या है बस समझ जाए ना क्या है, मुझे नहीं याद आ रहा। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री जेली। ये हमारे पेशावर में मॉल्स नहीं है, एक मॉल है लेकिन वो फजूल तरीन मॉल है, जैसे कराची में हर हर जगह है। हाय अब पता नहीं क्या शॉपिंग करेंगे, कह रहे हैं मूसा कारपेट्स। जहरी, जहरी रीडर्स, रीडर्स स्टेशनरी की शॉप है। रुपीज 100 में आप सब कुछ लें। कैरे फॉर मे एंट्री, लेट्स होप एंडियर बेट या शेल्टर ब्रांड सिटी। मैंने वॉकीज देखना था यहाँ। चलो लेट्स एंटर इनटू कैरे फॉर। कैरे फॉर वेलकम, खुशामदीद। मग्स, शेफ, पतीलियाँ, बास्केट, भाभी बास्केट्स। अम्मी 15,000 का डिनर सेट है। हाँ हमारे पेशावर में सस्ते हैं। मॉल है ना, मॉल महंगा ही होगा। हाय पेशावर में सस्ती हैं यहाँ। ओह गॉड नहीं, पेशावर में बहुत सस्ती हैं चीज़ें भाई। पेशावर की मार्केट से आके आप लोग ख़रीदें, ये बहुत महंगे हैं भाई। पेशावर में 13,000 के बड़े बड़े तीन सेट्स मिल रहे थे इस तरह के। हाँ ना मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। शहर में थोक की मार्केट है इस वजह से। अमी जानी ये चेयर पूछें, चेयर का पता करें मिनसा के लिए या पेशावर से ही लेंगे। लंच बॉक्सेस, हॉट पॉट्स देखें अम्मी, नहीं पसंद आ रहे अम्मी को। अम्मी जानी ये देखें कंटेनर्स, ये $389। अच्छा अब महंगा है ये, पता नहीं मुझे कोई एक्टर एक्ट्रेस मिल जाए कराची में। वो असफर है ना, असफर नाम है ना, वो मेरे भाई को मिला था एक बार। मुझे भी कोई मिल जाए। इस टाइप के लोग यहाँ से महंगी शॉपिंग कर सकते हैं। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना कि आप मार्केट सर्च किया करें, उसके बाद आप
डिसाइड क्या करें किधर से लेनी है चीज़। तो ये जो बहुत एक्स्ट्रा जिनके पास बहुत यू कैन से बहुत हराम का पैसा है वो यहाँ एक्स्ट्रा पे करके लेते हैं। क्योंकि मुझे जनरली मैंने क्रॉकरी देखी है पेशावर में थोक के हिसाब से मिलती है। तो हाँ यूटिलिटीज़ की ये शैम्पू मैम्पू सस्ते होते होंगे पैम्पर शैम्पर, लेकिन क्रॉकरी बहुत महंगी है। और आपसे बातें करते करते मैं अपने घर वालों से बिछड़ चुकी हूँ। टॉयज शूज बहुत तकलीफ़ हो रही है यार मेरी टांग में। चॉकलेट्स टीवी शीवी नॉर्मल जो है बेबीज़ के कपड़े। ये 35,000 की है पेशावर में। ये रही है रिबॉर्मेंट का चॉइस। टॉय शॉप्स हैं है मज़े का एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ बॉयज के काम की चीज़ें स्वेटर्स वगैरह बॉयज के। टोकन पे गाड़ियाँ हैं तो कहीं शॉपिंग करें और ताज़ी में निकलेगी गाड़ी के लिए। बहुत सस्ते हैं यहाँ कपड़े यार। एक चीज़ हमें सस्ती मिली है बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। हाँ ले रही हैं हम चीज़ें और जूते भी हैं बच्चों के लिए कपड़े जूते टी शर्ट्स चप्पलें। ये चीज़ें अब सस्ती आई हैं गाइस। कोई ज़ार ये तो अच्छे हैं। सर्दियों का यहाँ अच्छा माल सस्ता है। पेशावर में महंगा है। वो जो लड़कियाँ पहनती हैं वो ये रहे लड़कियाँ पहनती हैं मेरी स्लीपिंग ड्रेसेस गर्ल्स के स्ट्रोल्स। मैं पता करती हूँ क्या रेट्स हैं स्लीपिंग सूट्स के मिली। ओह यहाँ से तो बंद है। बाहर से निकलते हैं और बाहर जाते हैं। हाँ सॉक्स हैं तो दे दें अम्मी जानी दिला दें ले लो। ये गाड़ी आप ले सकते हैं इसकी 13 एनिवर्सरी पे। व्हेन दिस कार ये क्या है सुजुकी है। और हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमने जाना है आगे कज़न्स के घर। आपको तो पता है इस्लामाबाद वगैरह आए तो कज़न्स के घर जाना होता है। हम शॉपिंग वॉपिंग तो करते ही नहीं हैं कुछ पहली दफ़ा आए थे जा रहे हैं ऊपर। और अगर अम्मी जानी को दिखाया जे डॉट पे सेल लगी हुई है घूगर ये नहीं मुझे लगता है उस साइड पे ये इस साइड पे नहीं है उस साइड पे देखते हैं। हाँ हम वापस जा रहे थे तो हाँ अच्छा ये तो जे डॉट के सिर्फ परफ्यूम्स हैं। घूगर 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 पे तो पेशावर में भी ऑल द टाइम 50% सेल होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई रीमा रीमा कह रहा है। खैर मेरा दिल निकल गया मुझे फिर अपना नाम सुनाई दिया और मैंने पीछे देखा। सो गाइस यहीं पे हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। आई होप यू पीपल लाइक इट। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ सबको मेरे सलाम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा एडिटर्स।